इस वीडियो में हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन का डिफिनेशन क्या है, प्लेन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और प्लेन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर 14 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग प्लेन की बात करते हैं, जैसे प्लेन वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग के दिमाग में आता है कि एक समतल। प्लेन मीन्स क्या हो गया, एक समतल हो गया, यानी कि एक ऐसा सरफेस। प्लेन जो है वो एक ऐसा सरफेस है जो बिल्कुल समतल है, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं ये है, या आप बोर्ड देख लीजिए कि ये पूरा जो है वो एक प्लेन। हम लोग वर्ड भी यूज करते हैं कि ये एक प्लेन है। तो प्लेन मीन्स क्या हो गया, एकदम समतल है वहाँ पर। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है, जरा इसके बारे में समझिए कि ये प्लेन इज ए सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम लाइज कंप्लीटली ऑन द सरफेस। प्लेन जो होता है वो एक ऐसा सरफेस होता है जिस जैसे बोर्ड ही एक प्लेन है, तो इस पर हम लोग कोई भी दो पॉइंट अगर ले ले, ए और बी अगर दो पॉइंट ले लेते हैं तो दोनों को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है कम्प्लीटली इसी सरफेस पर होगा। अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कम्प्लीटली इस सरफेस पर आ जाए तो वैसे सरफेस को हम लोग कहेंगे प्लेन। तो मैं यहाँ डेफिनेशन वही लिख रहा हूँ कि प्लेन इज ए सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम लाइज कंप्लीटली ऑन द सरफेस। इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस लाइज ऑन दैट सरफेस देन सच सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। अगर हम लोग एक सरफेस ले रहे हैं और जिसमें कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं, उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट में जितना भी पॉइंट है सारा पॉइंट जो है अगर इसी सरफेस पर है तो उस सरफेस को हम लोग कहेंगे प्लेन। क्या लिखा हुआ है देखिए कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस। सरफेस का कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट जो है लाइज ऑन दैट सरफेस, अगर उसी सरफेस पर है तो देन सच सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। अब जरा समझिए कि प्लेन क्या नहीं होगा। जैसे आप अगर फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल जो है तो उस सरफेस, उसका जो बाहर का सरफेस है उस पर दो पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए ये फुटबॉल है और यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो उसका लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट इस सरफेस पर नहीं होगा। जैसे आप देखिए, सपोज कीजिए कि ये फुटबॉल है और इस फुटबॉल का हम लोग कोई भी ये बाहर का जो सरफेस है उस पर हम लोग कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका प्रत्येक पॉइंट जो है वो इस सरफेस पर लाई नहीं कर रहा है, तो ये एक प्लेन नहीं हुआ। प्लेन होने के लिए यहाँ पर जैसे हम लोग फिगर जो बनाएंगे वो प्लेन का फिगर बनाएंगे, मान लीजिए थ्री डायमेंशनल फिगर बनता है लेकिन फिर भी हम लोग प्लेन पर ऐसे बनाते हैं कि ये एक प्लेन, हम लोग मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है। इस पर दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, तो ये जो एक ऐसा सरफेस है जिस पर दो पॉइंट लिए और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट इसी सरफेस पर है, जितना भी पॉइंट है सभी इसी सरफेस पर है, तो इसको हम लोग प्लेन कहेंगे। जैसे इसको समझिए, ये आपको जो दिख रहा है आप इमेजिन कीजिए इस तरीके से बना हुआ है सरफेस, तो ये जो सरफेस है उस पर हम लोग कोई भी दो पॉइंट लेते हैं
और ये जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, आप सपोज कीजिए लाइन सेगमेंट बन रहा है, उस लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट इस सरफेस पर नहीं होगा। अगर इस तरीके का सरफेस है, जैसे आप सपोज कीजिए इस तरीके से सरफेस है, ये ऊपर नीचे है, तो उसका दो पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट जो है वो सरफेस पर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग प्लेन नहीं कहेंगे। तो प्लेन कोई विशेष चीज़ नहीं है, प्लेन एक सिंपल सरफेस है, और उस सरफेस पर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं और उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट जो है वो कम्प्लीटली इसी सरफेस पर होना चाहिए, या लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट इस सरफेस पर होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे प्लेन, उस सरफेस को प्लेन कहेंगे। अब जरा देखिए कि प्लेन का इक्वेशन होता क्या है। आप जानते हैं कि 2D में अगर हम लोग पढ़े हैं कि लाइन है, अगर कोई लाइन है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। एक्स और वाई का एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, ये हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हम लोग 2x + 3y + 4 = 0 लिख दिए, तो ये कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन को जरूर रिप्रेजेंट करेगा। आप ग्राफ बना सकते हैं, कोई ना कोई लाइन का ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही 3D में अगर हम लोग कोई प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन जो है वो उसका इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन क्या होगा। जो सपोज कीजिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन का जनरल इक्वेशन होगा ax + by + cz + d = 0। यानी कि वहाँ पर 2D में x और y का लीनियर इक्वेशन को हम लोग कहते थे स्ट्रेट लाइन, ये जनरल इक्वेशन होता था स्ट्रेट लाइन का। प्लेन का जनरल इक्वेशन भी होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन उसमें x, y और z ये तीन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा और a, b, c, d जो है वो कांस्टेंट है। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख दिए कि 2x + 4y + 5z + 7 = 0, तो वो ज़रूर एक प्लेन का इक्वेशन होगा, जहां एक्स वाई जेड क्या बताता है, एक्स वाई जेड इस प्लेन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है। x, y, z जो ले रहे हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन। कोई भी पॉइंट ले लेंगे उसका कोऑर्डिनेट बताता है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे ये लाइन का इक्वेशन है तो एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है, मतलब इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और हमेशा प्लेन का इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड। तो ये जनरल फॉर्म हो गया प्लेन के इक्वेशन का, हम लोग हमेशा प्लेन का इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब दूसरी चीज़ जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उस एक पॉइंट से कितना प्लेन लाइन पास कर सकता है। अगर इस पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, ऐसा लाइन भी हो सकता है, ऐसा लाइन भी हो सकता है, ऐसा लाइन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग दो पॉइंट ले लें तो दो पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, तो वहाँ दो पॉइंट से ओनली वन लाइन क्रॉस कर सकता है, जैसे ये लाइन क्रॉस कर रहा है। तो हम लोग 2D में जानते हैं कि एक पॉइंट अगर लेते हैं तो उससे इनफाइनाइट लाइन पास करता है, लेकिन अगर दो पॉइंट ले लें तो उस दो पॉइंट से पास करने वाला एक यूनिक लाइन होगा, सिर्फ एक ही लाइन होगा। बिल्कुल 3D में भी ऐसा है कि 3D में अगर कोई लाइन हम लोग ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये लाइन है, अब इस लाइन से कितना प्लेन पास कर सकता है, इस लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, बहुत सारा प्लेन पास कर सकता है इस लाइन से। जैसे इस फिगर को देखिए, इस फिगर में हम लोग एक लाइन लिए हुए हैं और इस लाइन से हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं कि तीन प्लेन पास कर रहा है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए इस लाइन से कितना प्लेन पास कर सकता है, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे 2D में एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है, 3D में अगर एक लाइन लेते हैं उस लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है। तो एक यूनिक प्लेन कब होगा, यूनिक प्लेन होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्लेन पर तीन सरफेस में हम लोग कहीं पर भी तीन पॉइंट लेंगे, तीन पॉइंट अगर ले लेते हैं और वो तीन पॉइंट से मात्र एक ही प्लेन पास करेगा, ये जो तीन पॉइंट हम लोग ले रहे हैं इससे मात्र एक ही प्लेन पास करेगा।
जैसे ये आप देखिए कि ये प्लेन पास कर रहा है ये तीन पॉइंट से, तो अगर हम लोग थ्री पॉइंट ले लें तो थ्री पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोलिनियर नहीं है तो इस तीन पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास करेगा, लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कोलिनियर पॉइंट है ये, तो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा तो इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है। जैसे आप इसी फिगर में देखिए, हम लोग तीन पॉइंट ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, ये कोलिनियर हो गया, एक लाइन पर हो गया, तो एक लाइन पर हो गया तो ये जो तीन प्लेन मैं दिखाया हूँ तीनों प्लेन तो इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो कोलिनियर पॉइंट नहीं होना चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो उस नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास करेगा। अब प्लेन का जब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो वो इक्वेशन जो है, अगर हम लोग को तीन पॉइंट दिया हुआ है तो तीन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का एक यूनिक प्लेन होगा, उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे आप 2D में जानते थे कि दो पॉइंट अगर दिया हुआ है, अगर एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालते थे। इसका फॉर्मूला होता था y-y1=y2-y1/x2-x1(x-x1)। तो दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करता था तो उस लाइन का हम लोग इक्वेशन निकाल लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही तीन पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो उसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर कोई प्लेन पास कर रहा है तो उसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए। तो एक सवाल इस तरीके से होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स। अब थ्री गिवन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का जब इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक जनरल इक्वेशन जो एक सिंगल पॉइंट से पास करता है, प्लेन का जनरल इक्वेशन जो सिंगल पॉइंट से पास करता है तो उसका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1, ये एक पॉइंट है और उस पॉइंट से जो प्लेन पास करता है उसका जनरल इक्वेशन ये होगा a(x-x1)b(y-y1)c(z-z1)=0, जहां ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई प्लेन है, हम लोग ऐसा कोई प्लेन ले रहे हैं और ये जो प्लेन है एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। अब एक फिक्स्ड पॉइंट से कितना प्लेन पास कर सकता है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक के फिक्स्ड लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है, तो आप सोचिए कि एक पॉइंट से कितना प्लेन पास कर सकता है। इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट प्लेन पास करेगा, बहुत सारा प्लेन पास कर सकता है इस पॉइंट से। जैसे यहाँ पर अगर एक पॉइंट ले लेते हैं ये ऊपर में, तो ये पॉइंट से एक प्लेन ये पास कर रहा है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है इस पॉइंट से। तो जो प्लेन पास करेगा उस प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है a(x-x1)b(y-y1)c(z-z1)=0। अब ये कैसे आया है जरा इसके बारे में समझिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्लेन दिया हुआ है इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन, उसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन, जो प्लेन दिया हुआ है गिवन प्लेन इज, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द जनरल इक्वेशन, हम लोग यहाँ सपोज कर रहे हैं कि द जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज, इस फॉर्म में लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन ax+by+cz+d=0। क्यों, मैं अभी बता चुका हूं कि ये कोई ना कोई प्लेन को तो रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से अगर इक्वेशन लिखते हैं तो किसी ना किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करते हैं कि इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन यही है। अब चूंकि ये पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। जैसे लाइन में आप जानते हैं कि लाइन का अगर इक्वेशन हम लोग x+y=5 लिख रहे हैं, तो इस लाइन पर जितना भी पॉइंट होता है सारा का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करता है। इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है 2, 3, तो 2, 3 का कोऑर्डिनेट इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। जो भी पॉइंट है इस पर उसका कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये प्लेन पर जो भी पॉइंट होगा वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चूंकि ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन पर है, यहां पर लिखेंगे सिंस दिस प्लेन पासेज थ्रू, ये पास कर रहा है पासेज थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट से, पॉइंट है यहां पर x1 y1 z1
तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब ये नंबर टू कर देते हैं और वन में टू को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वन माइनस टू इम्प्लाइज। अब यहाँ पर देखिए ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी कॉमन ले लेते हैं ये दोनों से, तो बी कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस वाई वन प्लस सी कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो यहाँ सी कॉमन लेंगे जेड माइनस जेड वन और ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन निकला यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा उस प्लेन का जो प्लेन पास कर रहा है इस पॉइंट से, यहाँ लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब इस पॉइंट से विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब जरा देखिए कि इस पॉइंट से कितना प्लेन पास कर सकता है। मैं अभी बता रहा था कि इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है, तो यहाँ ए बी सी जो है वो कोई कांस्टेंट है, ए बी सी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग प्लेन मिलेगा, लेकिन वो जो प्लेन मिलेगा वो इसी पॉइंट से पास करेगा। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं वन टू और थ्री, इस पॉइंट से पास करने वाला अगर प्लेन निकालना हो तो इस पॉइंट से पास करने वाला एक यूनिक प्लेन नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइट प्लेन होगा। तो उसमें से किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस टू प्लस सी इंटू जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन है। अब ए बी सी है क्या, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी के बारे में पता नहीं है, तो ए बी सी हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लीजिए ए का वैल्यू वन पुट कर दिए, बी का वैल्यू टू पुट कर दिए, सी का वैल्यू फोर पुट कर दिए, तो क्या आएगा, ए की जगह वन पुट करते हैं तो एक्स माइनस वन, बी की जगह टू पुट करते हैं तो टू इंटू वाई माइनस टू, और सी की जगह फोर पुट करते हैं तो फोर इंटू जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आप देखिए यहाँ पर एक्स हो चुका है, यहाँ पर टू वाई आ रहा है और यहाँ पर फोर जेड आ रहा है, और देखिए माइनस वन और माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, फोर थ्री जै ट्वेल्व, तो माइनस फाइव और माइनस ट्वेल्व माइनस सेवनटीन जो उधर ले जाएंगे तो प्लस सेवनटीन हो जाएगा। तो ये जो है वो एक प्लेन आया और ये प्लेन ज़रूर इसी पॉइंट से पास करेगा। अब यहाँ पर हम लोग ए बी सी का ये एक पर्टिकुलर वैल्यू बैठाएं, ए बी सी का कोई दूसरा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तीसरा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू पुट कीजिएगा वहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो एक ऐसा प्लेन बताएगा जो इस पॉइंट से पास करता है। तो इस पॉइंट से पास करने वाला कई प्लेन हो सकता है, ए बी सी का यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन मिलते चला जाएगा। अब देखिए ये प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास करता है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट आप पुट करके देखिए, अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब ये पास करेगा। चेक कीजिए ये कोऑर्डिनेट पुट करके, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पुट करते हैं कोऑर्डिनेट, तो एक्स के जगह वन है, वाई के जगह टू है और जेड के जगह थ्री है। तो देखिए वन प्लस फोर प्लस ट्वेल्व, तो फोर प्लस वन फाइव प्लस ट्वेल्व सेवनटीन आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब ये जो प्लेन है वो इसी पॉइंट से पास करेगा। अब आप कोई दूसरा वैल्यू ए बी सी का ले लीजिए और वहाँ से इक्वेशन निकालिए, उसमें भी पुट करके देखिए वो भी पास करेगा। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करने वाला इनफाइनाइट प्लेन होगा जो कैसे निकलेगा इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि अगर x1 y1 z1 से पास करने वाला कोई प्लेन निकालना है तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो होगा, जहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन मिलेगा, लेकिन वो प्लेन इसी पॉइंट से पास करेगा। अब जरा देखिए कि एक ऐसा प्लेन जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है उस प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए एक ये प्लेन है जो एक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, सेकेंड पॉइंट इज बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री कॉमा जेड थ्री। ये तीन पॉइंट से पास करने वाला अगर प्लेन निकालना है तो एक यूनिक प्लेन आएगा। कैसे निकालते हैं जरा समझिए कि सबसे पहले इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए कॉम हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन इज, इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन मैं अभी बता चुका हूँ, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन
प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये हो गया इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन, जहां ए बी सी हम लोग को पता नहीं, ए बी सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब हम लोग ए बी सी ही पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? तो ए बी सी पता करने के लिए ये दो पॉइंट से और पास कर रहा है ये प्लेन, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जब पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन, तो इसका कोऑर्डिनेट जरूर इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन के इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सिंस इट पासेज थ्रू पॉइंट्स बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू एंड सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री कॉमा जेड थ्री, ये दोनों पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं एक्स वाई जेड की जगह, तो एक्स के जगह एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस बी वाई टू माइनस वाई वन प्लस सी जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, एक्स टू वाई टू जेड टू पुट कर दिए एक्स वाई जेड की जगह, तो ये भी एक कंडीशन निकल गया। और एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री से भी पास कर रहा है, तो ये भी कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड थ्री माइनस जेड वन, तो यहाँ से भी पास कर रहा है, इसीलिए इसको सेटिस्फाई किया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो रिलेशन आया है ए बी सी का एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ए बी सी का जो लीनियर इक्वेशन बनेगा, वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे, और वो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हम लोग को प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका क्या है मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे ए बी सी निकालते हैं, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर कैसे पुट करके निकालते हैं इक्वेशन, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक और मेथड है, दो मेथड होता है। एक तो मेथड होता है कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन आया है वहाँ से ए बी सी फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वो पुट कर देंगे। और दूसरा चीज़ देखिए, आप जानते होंगे कि ए बी सी को इलिमिनेट कर सकते हैं, और तीनों को इलिमिनेट करके एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म बनाते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नाउ इलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम वन टू थ्री वी गेट, इलिमिनेट करके ए बी सी को इलिमिनेट करके कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट लिख जाइए एक्स माइनस एक्स वन, फिर बी का कोएफिशिएंट वाई माइनस वाई वन, और फिर सी का कोएफिशिएंट जेड माइनस जेड वन। यहाँ से ए का कोएफिशिएंट लिखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, बी का वाई टू माइनस वाई वन, और सी का जेड टू माइनस जेड वन। और यहाँ से ए का कोएफिशिएंट है एक्स थ्री माइनस एक्स वन, बी का कोएफिशिएंट है वाई थ्री माइनस वाई वन, और सी का कोएफिशिएंट है जेड थ्री माइनस जेड वन। तो इलिमिनेट करके हम लोग यहाँ पर ये एक डिटर्मिनेंट बना दिए, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये एक रूल होता है कि अगर आपको इलिमिनेट करना है, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू जीरो है, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू जीरो है। अगर यहाँ से आपको x और y को इलिमिनेट करना है, तो एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा ए वन बी वन ए टू बी टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से और यहाँ से दोनों से x और y को हटा देना है। मान लीजिए यहाँ से निकाल लेते हैं x का वैल्यू, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा। कैसे आएगा ज़रा समझिए, यहाँ पर अगर हम लोग इसको फर्स्ट करें इसको सेकेंड करें, तो फर्स्ट से आप देखिए, फर्स्ट से x का वैल्यू क्या आएगा, ए वन एक्स इक्वल टू माइनस बी वन वाई, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी वन डिवाइडेड बाई ए वन इंटू वाई। अब ये टू में पुट कर दीजिए, टू में पुट करते हैं तो क्या होगा, ए टू और x का वैल्यू पुट करना है माइनस बी वन बाई ए वन इंटू वाई, और यहाँ पर है प्लस बी टू इंटू वाई इक्वल टू जीरो। वाई से प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने से आ जाएगा माइनस बी वन इंटू ए टू डिवाइडेड बाई ए वन, और वाई तो डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लस बी टू इक्वल टू जीरो। आप ए वन एलसीएम ले लीजिए, तो ए टू इंटू बी वन माइनस में है और ये उधर जाएगा, तो ए वन इंटू बी टू इक्वल टू जीरो, ये उधर ले जाइए, तो उधर ले जाएंगे तो ए वन इंटू बी टू पहले लिखते हैं माइनस ए टू इंटू बी वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर ए वन बी वन और यहाँ पर ए टू बी टू और इक्वल टू जीरो, इसको एक्सपेंड कीजिए, देखिए यही आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन आ जाएगा। तो तरीका क्या हो गया, ये दोनों इक्वेशन से अगर x और y को इलिमिनेट करना है, तो एक डिटर्मिनेंट बन जाता है ए वन बी वन ए टू बी टू का, एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये
इलिमिनेट करने का तरीका होता है, वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तीन वेरिएबल है यहाँ पर, तीन चीज़ को इलिमिनेट कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, ए बी सी को इलिमिनेट कर रहे हैं। तो ए बी सी को इलिमिनेट करने के लिए उसका जो कोएफिशिएंट है, उसका कोएफिशिएंट को हम लोग लिख करके एक डिटर्मिनेंट बना देंगे, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये इलिमिनेट हो जाएगा, ए बी सी हट जाएगा। और ए बी सी ही हम लोग को यहाँ पर हटाना था, यहाँ पर इस पॉइंट से पास करने वाला ये प्लेन का इक्वेशन है। अगर ए बी सी का वैल्यू निकाल ले और यहाँ पर पुट कर दे तो निकल जाएगा प्लेन का इक्वेशन। तो ए बी सी इलिमिनेट करना था, तो ए बी सी यहाँ पर से हम लोग इलिमिनेट कर लिए और इलिमिनेट करके ये एक फॉर्मूला बना लिए। तो तीन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना हो तो ये प्लेन का इक्वेशन का डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो एक ये तरीका हुआ कि इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे, निकाल लेंगे। और एक और तरीका होगा, कैसे करते हैं चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। ये तीन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास करने वाला जनरल प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। जनरल प्लेन कहने का मतलब इस पॉइंट से, एक पॉइंट से पास करने वाला तो कई प्लेन हो सकता है। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन का सॉरी जनरल इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, यहाँ पर प्लेन होगा लाइन नहीं, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होगा, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन के जगह टू प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन के जगह वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन के जगह जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये हो गया इस पॉइंट से पास करने वाला कोई भी प्लेन जहाँ ए बी सी है क्या कॉन्स्टेंट है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि ये प्लेन जो है वो पास कर रहा है बी और सी से भी, तो बी और सी का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफोर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस प्लेन वन पासेज थ्रू द पॉइंट बी एंड सी, देयरफोर बी और सी से पास कर रहा है तो बी का भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कीजिए यहाँ पर, बी का कोऑर्डिनेट है थ्री, तो थ्री माइनस टू हो जाएगा वन, वन इंटू ए मतलब ए, फिर माइनस टू पुट करना, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री इंटू बी, यहाँ पर माइनस थ्री भी हो जाएगा। फिर माइनस टू पुट करना है तो माइनस टू इन माइनस जीरो माइनस टू और सी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू सी इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से भी पास कर रहा है, इसका भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, तो थ्री माइनस टू वन, वन इंटू ए आ जाएगा। फिर वन पुट करेंगे, वन माइनस वन जीरो, यानी कि जीरो बी हो जाएगा। और फिर यहाँ सेवन से पास कर रहा है तो सेवन सी आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब ये जो रिलेशन आया है ए बी सी के बीच एक लीनियर इक्वेशन आया है, तो यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव क्या मिलेगा, जरा देखिए कि यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर नीचे बाद में लिख लेंगे, फिर बी लिखेंगे उसके नीचे बाद में लिख लेंगे, सी लिखेंगे उसके नीचे बाद में, क्या लिखेंगे जरा समझिए। ए के नीचे क्या होगा, ए को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको लीजिए, तो माइनस थ्री इंटू सेवन, माइनस थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेंटी वन, और माइनस जीरो इंटू दिस, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। बी के नीचे लिखने के लिए इसको छोड़ देना है, यहाँ पर ए के नीचे लिख रहे हैं तो एक छोड़ करके इधर से आते हैं, बी को नीचे लिखना है तो इसको छोड़ देना है, यहाँ से आप इधर आइए तो माइनस टू इंटू वन माइनस टू, और फिर सेवन इंटू वन माइनस सेवन, क्या करना है माइनस टू को इसके साथ, फिर माइनस दिस इंटू दिस। अब सी के नीचे लिखना है तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ करके यहाँ से बढ़िए, वन इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, और फिर माइनस वन इंटू जीरो जीरो माइनस वन इंटू माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये आ जा रहा है ए डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेंटी वन, यहाँ पर a डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू b डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, b डिवाइडेड बाय माइनस नाइन आ रहा है, और यहाँ पर c डिवाइडेड बाय आप चेक कीजिए c डिवाइडेड बाय थ्री आ रहा है। तो थ्री से तो सभी में कैंसिल हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय माइनस थ्री से कैंसिल कर दीजिए, तो सेवन माइनस थ्री से प्रत्येक में डिवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ पर माइनस थ्री से डिवाइड करने पर थ्री, और यहाँ पर माइनस थ्री से डिवाइड करने पर माइनस वन। इसको लेमडा मान लेते हैं हम लोग, तो लेमडा मान लेते हैं, तो ए बी सी का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू सेवन लेमडा आ जाएगा, बी का वैल्यू थ्री लेमडा आ जाएगा, और सी का वैल्यू माइनस लेमडा आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, तो इक्वेशन वन बिकम्स, यहाँ पर पुट करते हैं, इक्वेशन वन बिकम्स लिखेंगे क्या, देखिए
ए का वैल्यू 7 लेमडा, तो 7 लेमडा इंटू एक्स माइनस टू, 7 लेमडा इंटू एक्स माइनस टू, और प्लस बी का वैल्यू 3 लेमडा है, तो 3 लेमडा इंटू वाई माइनस वन है यहाँ पर, और फिर है सी इंटू जेड, तो सी का वैल्यू माइनस लेमडा है, माइनस लेमडा इंटू जेड इक्वल टू जीरो, प्रत्येक में लेमडा से डिवाइड कर दीजिए, लेमडा से डिवाइड करते हैं तो 7 इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3 इंटू वाई माइनस वन माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 7x और प्लस 3y माइनस जेड है, और कांस्टेंट में क्या आ रहा है, माइनस 14 आ जाएगा, माइनस 14 माइनस 3 माइनस 17 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 17, तो ये हो गया 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये हुआ, और चलिए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में बताया था जो फार्मूला, उसी फार्मूला का यूज करके बना लेंगे कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से अगर जो प्लेन पास करता है उसका इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, मैं अभी फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस, इस 3 पॉइंट से जो प्लेन पास कर रहा है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन की जगह 2, और फिर y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह 1, और z माइनस जेड वन की जगह 0, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 माइनस 2, वाई टू माइनस वाई वन, तो माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, और फिर जेड टू माइनस जेड वन, तो माइनस 2 माइनस 0, मतलब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और फिर एक्स थ्री माइनस एक्स वन, मतलब थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 आएगा, और फिर है y3 माइनस y1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 7 माइनस 0 आ जाएगा, और इक्वल टू 0। तो ये आप देखिए, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2, y माइनस 1, z माइनस 0, मतलब z 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं कितना आएगा, जरा देखिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो x माइनस 2 होगा सबसे पहले, और x माइनस 2 के बाद क्या लिखना है, माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21 माइनस 0 हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस y माइनस 1, और इसके साथ में क्या लिखेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 इंटू 7 7, और माइनस माइनस प्लस 2 7 प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस z, और इंटू इसके साथ में क्या लिखेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 इंटू 0 0, और प्लस 3 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 21, यहाँ पर 21 इंटू एक्स माइनस 2, और फिर यहाँ पर 7 प्लस 2 9, माइनस 9 इंटू वाई माइनस 1, और वहाँ पर प्लस 3 जेड इक्वल टू 0। आप 3 से प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए, तो 7 इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 7x आ रहा है, और यहाँ पर माइनस 3y है, और प्लस जेड है, और यहाँ पर माइनस 14 माइनस 3 माइनस 17 उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू 17। तो ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो एक ये मेथड होता है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करके भी निकाल लेते हैं, या फिर पहले जो मेथड बताएं उस तरीके से। तो 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन इस तरीके से निकालते हैं। इसमें एक और सवाल रहता है कि अगर 4 पॉइंट दिया हुआ रहता है, उसको दिखाना होता है कोप्लेनर, तो 4 पॉइंट को कोप्लेनर कैसे दिखाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन ऐसे ही निकाल लेंगे, 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन निकाल लेंगे, और 4th पॉइंट जो है वो दिखा देंगे कि इसको सेटिस्फाई करता है। अगर 4th पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, 4th पॉइंट भी इसी प्लेन पर लाई करेगा, 3 पॉइंट से पास करने वाला तो एक यूनिक प्लेन होगा, तो वो 3 पॉइंट से पास करने वाला यूनिक प्लेन निकाल लेंगे, और जो अगर 4th पॉइंट दिया हुआ है वो दिखा देंगे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो 4th पॉइंट भी इसी प्लेन पर आ जाएगा, तो वो 4 पॉइंट जो है वो कोप्लेनर हो जाएगा। तो कोप्लेनर जो 4 पॉइंट दिखाना है, उस तरीके का सवाल आपके बुक में होगा, आप उसको खुद ट्राई कीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेन का सेकेंड फॉर्म बताऊंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, और भी डिफरेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।